नमस्कार। और बहुत अच्छी बात है हम इतने मात्रा में हम यहाँ इकट्ठा हुए और इसके लिए इकट्ठे हुए जो बेजुबान है इनके लिए इकट्ठा हुए और बाकी में वो हमारा सोसाइटीज में रहने वाले एक प्राणी है जो हमारा बहुत करीबी है जिनके लिए आज हम सब यहाँ बैठे हुए। और मैं बहुत कृतज्ञता से आप सबको और मेरे दिल से सबको नमस्ते करना चाहूँगा कि आज ये जो जिसके हमें ऊपर बात करने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है हमारे सोसाइटीज में। पॉलिटिकल पार्टी भी इसको मुद्दा बना रहे, RWA से मुद्दा बना रहे, एक AOA भी मुद्दा बना रहे, लेकिन ये जाए तो जाए कहाँ? तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि बेसिक फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनिमल्स जो हमारा संविधान में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हम इसको कहीं लॉ एंड ऑर्डर को पीछे करके हम एनिमल के साथ जिस तरह का हम व्यवहार करते हैं हमारा सोसाइटीज में, जो कभी पत्थर मारते, कभी ईंट मारते, कभी गर्म पानी फेंकते, तो कभी एसिड फेंका जाता है, तो कभी नदी में फेंक दिया जाता है। ना सिर्फ हम बल्कि हमारा इंस्टीट्यूशन जहां हमारा पढ़ाई होते हैं वहां पे हमारा बच्चों भी हमारा एनिमल्स को मार मार के ध्यान से मार दिया जाता है। इसके ऊपर आज की बात होगा कि क्या इसमें हमारा कमी है, क्या ग्राउंड रियलिटी है, क्या हमारा सरकार की काम है और क्या हमारा बेंग है सिटीजन ऑफ इंडिया की हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। पूजा हम हर जगह मंदिर में करते हैं, हर मंदिर में पत्थर की मूर्ति के साथ साथ एक जानवर भी होते हैं जिसको हम पूजा करते हैं, लेकिन असली में जो जीवित है इनके लिए हम नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं कमी रह जाए। आज हमारे पास लक्ष्मी अग्रवाल जी आने वाले थे जो एसिड अटैक सर्वाइवर थे, कुछ कारणवशत तो नहीं आ पाए। अभी हमारा एक वेटनरियन है जो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की मेंबर है डॉक्टर विजय पाठक बंद हुए हैं, और हमारे साथ है सुब्रह प्रीति टंडन जो एडवोकेट है और एनिमल एक्टिविटीज भी है और एनिमल्स के लिए काम करते हैं और लीगल एडवाइजर भी है एनिमल लॉ की। और हमारे साथ और है डॉक्टर विजय कुमार, वो एक प्राइवेट वेटनरी प्रैक्टिशनर भी है और इंडियन वेटनरी एसोसिएशन की वो ट्रेजरर भी। तो सबसे पहले किसी को भी कोई इसके ऊपर कोई सवाल पूछना है कि किस तरह का सोसाइटी में हो रहे, पहले हम सवाल करने से पहले एक हम PPT दिखाना चाहेंगे आपको, किस तरह का सोसाइटी में एनिमल के साथ होता हो रहे और क्या हमें करना चाहिए। ये सिर्फ 5 या 7 मिनट की PPT है, इसके बाद हम आगे बात करता। सर मैं छोटा सा इंसान हूँ और इनके लिए काम करता हूँ, एनिमल्स के लिए काम करता हूँ, ना जिनका घर है, ना जिनके खाने की कोई ठिकाना है, ना इनका माँ बाप है, और कहीं सोने के लिए हमारे सोसाइटी के अंदर आ जाते हैं, हम ईंट पत्थर लेकर इनको भगा देते हैं, इन्हीं के लिए हम काम करते हैं। और सबसे पहले एनिमल वेलफेयर इंडिया में गांधी जी ने लेके आए थे। एक बार एक बकरी को कोई काटने के लिए लेके जा रहे थे तो गांधी जी ने पूछे तो बकरी कहाँ लेके जा रहे हो, उन्होंने ये बोले कि बकरी को मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ उसको काट के मांस बना के मांस बेचना है। तो गांधी जी ने इनको ये बोले थे कि आप एक काम करो, बकरी को छोड़ दो और मुझे ले लो, आप बकरी को छोड़ दो मुझे ले लो। तब गांधी जी की जो एक कोर्ट है, अभी हम आपको बताएंगे कि गांधी जी किस तरह कोर्ट है, किस देश में एनिमल की सम्मान नहीं है उस देश की सम्मान कहीं नहीं, जिस इंसान एनिमल को कभी सम्मान नहीं किया वो कभी सम्मान लायक भी नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे सोसाइटीज में होता है हम नजरअंदाजा कर लेते हैं। और मेरे नाम संजय महापात्रा है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ जिसके नाम है हाउस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स और हम ऑल ओवर इंडिया के लिए काम करने जा रहे हैं। हमारा एक सेल्टर है, एक एनिमल डिस्पेंसरी भी है, 24/7 एनिमल्स के लिए काम करते हैं। और हमारा एक इच्छा है कि जो एनिमल्स के साथ खाना कोई भी खिला सकता है, जब ट्रीटमेंट की जरूरत है हमारा कम्युनिटी एनिमल्स के लिए, कम्युनिटी एनिमल्स गाय गधे घोड़े डॉग्स कैट्स बस, जब इनके ट्रीटमेंट की बात होते हैं हम ट्रीटमेंट नहीं दे पाते क्योंकि हमारे पास हमारे देश में वो साधन नहीं है कि एनिमल्स की कैसे ट्रीटमेंट किया। अगर कोई इंसान की एक्सीडेंट रोड में हो जाता है, अगर हम टाइम से इनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाता है तो किस तरह का पेन से इसका डेथ हो जाता है। लेकिन हम सब मिलकर इंसान को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, लेकिन यहीं पे जानवरों तड़प तड़प मरते, जो हमारे पास साधन नहीं है
ये साधन को पूरा करने के लिए ये एनिमल्स बाकी में आए कहां से, ये एनिमल है किसका और एनिमल्स की जिम्मेदारी कौन है, जो ये हमारा सोसाइटी में सरकार की क्या जिम्मेदारी है, हमारे क्या जिम्मेदारी है और हमारा जो जिसको हम चुन के लाते जो पॉलिटिकल पार्टी आते हैं इनके क्या जिम्मेदारी, और जो केयर गिवर्स है जो एनिमल लवर्स है काफी संख्या में हमारे देश में है, करोड़ एंड करोड़ लोग जो एनिमल्स की काम करते हैं, इनका कोई रिलीजन नहीं है, हर रिलीजन में एनिमल लवर है, हर रिलीजन में एनिमल लवर है, लेकिन हमारे पास क्रोर्स एंड क्रोर्स एनिमल्स है। आज पॉलिटिकल पार्टी ये बोल रहे कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके एरिया से जितना एनिमल्स हो सबको खाली करके एक बाउंड्री में डाल देंगे, ये कमर्शियलाइज हो रहा है कि ताकि डॉग्स को लेके वहां जाएंगे, हमें सरकार से पैसे आएगा, वो पैसे हम करप्शन करें, और जब हमारा घर की गली में हमारा रोड में जब हम अंदर घुसते जब जानवर देखते तो जो सुंदरता आता है वो सुंदरता खत्म करने जा रहा है, हम एक ह्यूमैनिटी खत्म करने जा रहा है। तो मैं 5 मिनट उन्हीं पे रुक के एक पीपीटी देखा हूँ किस तरह का हमारे सोसाइटी में एनिमल्स के लिए क्रूरता हो रहा है और एनिमल्स को हम क्या करना चाहिए, कुछ बोलेगा? नहीं, बात करते हैं हमारे देश में एक पशु कानून, उस कानून कहीं पे भी लागू नहीं होता है, जब भी कोई एनिमल्स को मार देते, चाकू मार देते, गर्म पानी फेंक देते, दीपावली में मुंह में पटाखा लगा के इसको मार दिया जाता है, चेहर दे दिया जाता है, हम बहुत जल्दी वो केस को पुलिस भी नहीं देता है, मॉब खड़ा हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टी मॉब को सपोर्ट करते ना जो 2-4 लोग एनिमल्स को मदद करने के लिए आए इनके खिलाफ हो जाते हैं, ये कानून लॉ एंड ऑर्डर को हम हाथ में लेते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर हम नहीं मानते, इसीलिए आज हम काम कर रहे हैं कि पशु अधिकार के ऊपर सर वही बकरी है जो गांधी जी ने बोले थे कि आप बकरी छोड़ दो मुझे ले लो, स्लोगन कौन सा है इसमें? द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन एंड इट्स मॉरल प्रोग्रेस कैन बी जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड। सर जहां जानवर का सम्मान नहीं है उस देश की सम्मान कहीं भी नहीं, देखिए किस तरह का एनिमल्स को मारा जाता है, सर कम्युनिटी एनिमल्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल एलसीडी का, लोकल एलसीडी की जिम्मेदारी होता है, और बहुत सारे केयर गिवर्स एंड फीडर्स है जो एनिमल्स को खाना खिलाते हैं, लेकिन जब वो एनिमल्स को खाना खिलाते हैं इनको सोसाइटीज के लोग किस तरह का अब्यूज करते हैं, हरासमेंट करते हैं, और जब वो हरासमेंट लेके पुलिस में जाते हैं पुलिस मॉब देख के इनके अगेंस्ट हो जाता है, ना कोई केस ना कोई एफआईआर होता है इसको लेके, बल्कि पशु अधिकार के लिए जो कानून है हम पीछे छोड़ते हैं। जब भी कोई एनिमल्स की एक्सीडेंट हो तो हम एक दूसरे को शक्ल देखते रहते हैं, उसको फोन करते रहते हैं, लेकिन एनिमल्स ऑन टाइम उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है ताकि इनका बाकी में मृत्यु हो जाता है। बुलक हम ऐसे बैलगाड़ी घोड़े यूज करते हैं हमारा सामान इधर से उधर करने के लिए, जब इतना इनके ऊपर जब हम सही मात्रा से ज्यादा इनके ऊपर जब भारी वजन डाल देते हैं इनका काफी हद तक इनका तबीयत खराब हो जाता है। सेम हम कहीं अगर मंदिर में जाते या हम केदारनाथ जाते या वैष्णो देवी जाते इनको गधे को सवारी करके जाते, लेकिन आप कभी जिसके ऊपर आप बैठते इसके नीचे उठा के देखिएगा किस कितने उसके पूरा एरिया में किस तरह का वो बोन है, किस तरह का फूल से लथपथ है हम जिसके ऊपर बैठ के जा रहे हैं, एक बार खोल के देखिएगा। ये एमसीडी इस तरह का
डॉग पकड़ के एबीसी, हमारे एबीसी रूल्स है जिसमें नसबंदी को क्लियर किया जाता है, बहुत दर्दनीय तरह नसबंदी होता है, वो एक क्रूअल एक साइलेंट क्रुएल्टी है एनिमल्स को मारने के लिए। सबसे ज्यादा एनिमल्स हमारे एबीसी में ही मरे। आप देखिए किस तरह का डॉग को कैच किया जाता है, हम नेट पर कैच कर सकते, डॉग की डेथ हो गया और प्रेग्नेंट डॉग है, इसको बड़े निर्दयी के साथ पकड़ा गया, जिसके वजह से इसके पेट में 6 बच्चे थे, सर्जरी से 6 बच्चे निकले, 6 की 6 बच्चे मर गए और मां की भी डेथ हो गई। ये पीछे लीजिए थोड़ा, ये एक सोशल इन्फ्लुएंसर है, क्या चढ़ा नाम इसका, आप ये देखिए किस तरह का प्यार करते हैं, ये लोगों की धारणा है एनिमल्स। एनिमल कैसे प्यार कर रहा है और इंसान की, हमारे कोई इमरजेंसी फैसिलिटीज नहीं है एनिमल्स के लिए, चाहे रात हो जाए दिन हो जाए, मोहल्ला क्लिनिक तो होता है लेकिन एनिमल्स हर मोहल्ले में है, लेकिन एनिमल्स के लिए कोई क्लिनिक नहीं है, एनिमल तड़प तड़प के हमारा सामने मर जाता है, हर कोई देखे फेर की, किसी की सिर में घाव हो गया, किसी के सिर में कीड़े पड़ गए, कोई एक्सीडेंट हो गए, कोई चल नहीं पा रहे, लेकिन इनको मदद करने के लिए हम कोई नहीं है, लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की होना चाहिए, लेकिन सरकार इससे भी पीछे हटता है। ये देखिए किस तरह का इसके ऊपर लोहे के डंडे से मारा गया, पीसीआर की हमारा कोई अवेयरनेस नहीं है, हमारा सत्ता, हमारा पुलिस भी नहीं जानते कि हमारे पास एक एनिमल्स की लिए एक कानून है, जब पुलिस के पास हम कुछ एनिमल्स की केस लेते हैं, पुलिस हंस के टाल देता है, जानवर तो हमारा क्या हो गया। जब हम क्रिमिनल बनते हैं, एनिमल से स्टार्ट करते हैं, फिर हम रेपर बनते हैं, फिर हम चोर बनते हैं, फिर हम करप्टेड बनते हैं, सबसे पहले स्टार्ट एनिमल से क्रिमिनल स्टार्ट होता है। ये आप सीन देखिए किस तरह का एनिमल्स को मारा जाता है, ये जो बीच में देख रहे स्टूडेंट है, ये है डॉन बॉस्को टेक्निकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स है, 25 स्टूडेंट्स ने एक प्रेग्नेंट डॉग को मार मार के मार दिया गया, जिसके ना जिसके ऊपर एफआईआर हुआ है, लेकिन वही पुलिस स्टेशन से एफआईआर बेंच से निकल गया। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का हमारे सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर और लोग किस तरह का काम, और ये बच्चे आगे जाके क्या करेंगे आप बताइए। अगर हम सब अपनी सोसाइटीज में रहने वाले एनिमल्स को केयर नहीं करेंगे और केयर कौन करेगा। डॉग्स आर वेरी नियर एंड डियर टू द ह्यूमंस, और खास करके वो ह्यूमन सोसाइटी में रहते हैं, और हमें सेफ गार्ड की तरह रात को जागे रहते हैं, हमारा गली को बचाते हैं।
ये देखिए किस तरह का एनिमल लवर अपनी पैसे से अपनी कमाई से कितने पैशनेट है, खुद कितने प्यार से डॉग पकड़ के इनको वैक्सीनेशन किया जाता है, इनको नसबंदी के लिए भेजा जाता है। जब नसबंदी के लिए भेजते अपनी पैसे से ब्लड टेस्ट करवाते ये हमारा छोटी सी कदम है कि एनिमल राइट्स के लिए फाइट करने। आए दिन आप सुने होंगे कि आजकल पेट डॉग्स की काटने की कहीं एक्का दुक्का केसेस आई है। जो एक्का दुक्का केसेस आते हैं हम मीडिया को इतना बड़ा चढ़ा है जैसे लगता है कि ये केस हमारे एरिया में भी, हमारे एरिया में एक ही केस है, एक केरला में है तो एक उड़ीसा में है तो एक दिल्ली में है तो एक नोएडा में है। लेकिन इस केस को हम इतने वायरल कर देते कि हमारा हर घर में लगता है कि आज मेरे घर के पास हुई है, लेकिन ऐसे नहीं है। हमारा सोसाइटीज में ऐसे इलीगल ब्रीडर्स है जिनकी वजह से जो हाइपर डॉग्स घर पे हम लेके पालने लाते, इसकी जिम्मेदारी अगर मैं पालता हूँ डॉग को, मैं डॉग ओनर हूँ तो उसकी जिम्मेदारी मेरे पास होना चाहिए कि मेरे पास कौन सी ब्रीड की डॉग है और उस ब्रीड डॉग की मैं किस तरह का उसे केयर करना है। वेटनरी डॉक्टर की सजेशन लीजिए कि इसका रिक्वायरमेंट क्या है, कितने बार दिन में खाना देना है, कितने बार सप्लीमेंट देना है, कितने बार पानी देना है और इनको कितने बार उनके घुमाने लेके जाना है। अगर हम उनके साथ निगलेक्ट करेंगे डेफिनेट जो हाइपर होगा और वो सोसाइटी में कटेगा। इसकी जिम्मेदारी एक डॉग के पीछे पूरा डॉग कम्युनिटी या एक पेट के पीछे पेट कम्युनिटी, हम उनको सबको एक नजर में देखते हैं। अगर कोई सोसाइटी में चोर है हम चोर को सजा देते, पूरा सोसाइटी को सजा नहीं देते। सेम एक एनिमल्स का अगर बीमार है रिएक्ट कर रहे हैं हम इसको रिहैबिलिटेशन सबके लिए भेज सकते हैं, हम उसी डॉग के ऊपर काम कर सकते हैं ना। इंटायर डॉग को हम उनको एक डॉग की सजा सारी इंटायर डॉग पर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। हम सब बड़े आराम से अगर हम सोचते कि हमें डॉग पालना है तो हम ब्रीड डॉग विलायती डॉगी घर में लेने में कोशिश करते हैं। लेकिन वाई विलायती डॉगी बेंगे इंडियन, हम अपना देसी डॉगी, हमारा एक विलायती डॉगी खरीदने के लिए 20 से लेके 2 लाख रुपए तो लगता है, क्यों हम पैसे उसके ऊपर खर्चा करें, क्यों ना हमारा देसी डॉगी। सर डॉक्टर विजय पाठक, क्यों ना हम अपनी गलियों में से जो बच्चे हो रहे इनको अडॉप्ट किए। अगर एक डॉग मैं अडॉप्ट करता हूँ मेरे गली से, ये देसी लोग और मैं देसी डॉग अडॉप्ट करता हूँ, मैंने 1000 डॉग पैदा होने से रोड से बचा रहा हूँ, 1000 लाइफ बचा रहा हूँ और उसमें मैंने इतने पैसे बचे क्योंकि हमारे इंडियन पीपुल आर वेरी इम्यूनिटी, इनके पास पावर इतना, ताकत इतना है। सेम हमारा डॉग्स के पास भी, इंडियन डॉग्स के पास है, क्यों ना हम देसी डॉग हमारे गली से या हमारे आसपास कोई सेंटर से कोई एनजीओ से अपनाए ना ब्रीड डॉग, ढूंढने से बढ़िया हम अपना देसी डॉग कहीं से भी पाए। कभी कभी सोसाइटीज में अगर एक डॉग हाइपर होता है हम उसी डॉग के ऊपर काम करना चाहिए, उसी डॉग को ट्रेनिंग के लिए हम रिहैबिलिटेशन में भेजना चाहिए ना एंटायर डॉग। किस तरह का डॉग की ट्रेनिंग होता है आप देखिए, हर जगह आज की डेट में हमारे इंडियन डॉग आ गए, चाहे BSF बोलो, आर्मी बोलो, पुलिस बोलो, CBI बोलो, हर जगह इंडियन डॉग आज हम अडॉप्ट कर रहे हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब ये भी बोलते हैं कि आप आपके आसपास एनिमल्स को केयर करिए, हमारे इंडियन डॉग को प्रमोट करिए।
मैम को चेयर देती है। मीडिया ऑलवेज हाईलाइट्स, कहीं अगर इंसान को एक डॉग कहीं रिएक्ट करता है और बाइट कर लेता है, मीडिया ऑलवेज हाईलाइट जाती है। मीडिया कभी हाईलाइट ये चीज नहीं करता है कि कितने एनिमल्स को इंसान ने मार दिया है, गर्म पानी फेंक के, तेजाब फेंक के, आग में जला के, फोर्थ फ्लोर से फेंक के, किस तरह का हम एनिमल्स व्हीकल यूज करते, जो एनिमल्स अपनी सामान लोडिंग अनलोडिंग करने में यूज करते हैं, ये हम कभी नजर को छुपा के चले जाते हैं। ये हमारे सामने हर गली में हर जगह ये हमें देखने में मिलता है। क्या इनका कोई जीवन नहीं है? क्या इनको कोई दर्द नहीं है? थोड़ी सी हमें चुपकी लग जाता, हमें कितना दर्द होता है, कोई हमारा कान पकड़कर हम चिल्लाते हैं, क्या इनको कोई दर्द नहीं है? यह दर्द हमें महसूस करना चाहिए। जो लोग घर में डॉग पालते हैं वो अपनी डॉग्स की क्या रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आप देखे होंगे कहीं जगह कि ये समाचार आते हैं कि गिफ्ट में डॉग को किसी को काट दिया, कोई पार्क में किसी को डॉग काट दिया। ये सारी चीजें जो होते हैं बिकॉज ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ ओनर ऑफ दैट पेट, ये उसी पेट ओनर की नेग्लेक्ट है जिसकी वजह से ये हो रहे हैं, ना इंटायर कम्युनिटी पेट्स की कोई गलती। बहुत सारे लोग जब छोटे पप्पी देखते हैं बड़े प्यार से उनको पाल लेते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं इनको रोड में छोड़ देते हैं, ये काफी बड़ा कानूनन अपराध है। सर पॉलिटिकल पार्टी को आज के डेट में कुछ नहीं मिला है, मुद्दा बन गया है कि एनिमल्स को हम सोसाइटी से उठा देंगे। आप देखिए हर किसी पार्टी का एजेंडा है आज के डेट में, आप एमसीडी पोल में देख लीजिए किस तरह एमसीडी पोल में ये बोला जाता है। काफी सारी स्पीचेस भी है पॉलिटिकल लीडर्स की, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा पॉलिटिकल पार्टी का या पॉलिटिकल लीडर्स की, उसमें ये बोला जाता है हमें वोट दीजिए, हम आपकी एरिया में कितना एनिमल्स सबको सफाई कर देंगे, यहाँ से हम उनके लिए एक पॉन बना देंगे, इनके लिए जेल बना देंगे जहां उनको डाल दिया जाएगा। लेकिन इनको पॉलिटिकल पार्टी को ये पता होना चाहिए इनके ऊपर क्योंकि पॉलिटिकल के ऊपर एक कानून है, हमारा संविधान है, हमारा गार्ड है, इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बना हुआ है किसी रूल्स एंड रेगुलेशन बना हुआ है, ना किसी लाइफ के पीछे इस तरह पड़े और झूठा वादा करके वोट ले। मैं आपको बोल देता हूँ कि हमारा सोसाइटीज में हर कोई पॉलिटिकल पार्टी रिलीजन वोट लेने में बहुत आगे होते हैं कि मुझे इसी रिलीजन से वोट मिल जाए, मुझे उस रिलीजन से वोट मिल जाए, मुझे उसी रिलीजन से वोट मिल जाए। लेकिन इनको ये समझना चाहिए इसी रिलीजन से आगे हम इतना एनिमल केयर गिवर एनिमल लवर पूरा हिंदुस्तान में है, पूरा हिंदुस्तान में हम क्रोर्स एंड क्रोर्स वोटर्स है जो एनिमल्स को प्यार करते हैं, इनका कोई रिलीजन नहीं है, वो हर रिलीजन से एनिमल्स को प्यार करने वाले लोग है। लेकिन जब हम इकट्ठा हो जाएंगे हमारा भी वोट काउंट का भी माना जाएगा। लेकिन ये वोट काउंट में अभी रिसेंटली दिल्ली में इलेक्शन पोल आ रहे, मैं आप सबके जरिए मैं मैसेज देना चाहूंगा, ना सिर्फ ऐसे झूठे वादा करने वाले लीडर्स को वोट दीजिए, आप उन इसी ऐसे लीडर को वोट दीजिए जो एक रियल लीडर है, जो हमारे सोसाइटीज के लिए, सोशल के लिए, हर किसी के लिए काम करे, इंसान के लिए भी काम करे, हमारा एनवायरमेंट के लिए भी काम करे, हमारे आसपास रहने वाले पशुओं के लिए भी काम करे, और हमारा आसपास रहने वाले जो कूड़ा है जिस तरह का हम आजकल स्वच्छता में चलते उसके ऊपर काम करें, और सबकी दुख में शामिल हो और सबकी तकलीफ में शामिल हो, ऐसे लीडर को वोट दीजिए। ये मेरे मेन मुद्दा था, मैं आपको बता देता हूँ हमारा मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जरिए मैं दिल्ली की जितने भी एनिमल लवर है मैं सबको ये बोल देना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति कोई भी अगर लीडर आपको गलत
बात बोल के और बोलते कि सारे एनिमल्स को मौका दो, किसी इंसान के पास उसे ताकत नहीं है जो भगवान को दिया सृष्टि को खत्म कर दे ना उसको वो कर दे। वो बिल्कुल झूठा वादा है, उसी वादा से आप वोट मत दीजिए। आप सिर्फ अपनी जो अच्छा लगता है, ये लीडर अच्छा है उन्हीं लीडर को वोट दीजिए, और अपनी अंदर जो ठीक लगता है आप उनको वोट दीजिए, ना ऐसे झूठा वादा जो एनिमल्स को भगाने वाले बात करते हैं इनको वोट मत दीजिए। सुनिए किस तरह का वो मार रहे हैं, तो स्पीड कर देते आवाज तेज करते टेक्नीशियन भाई साहब ये इंस्टीट्यूशन की बच्चे और वहां का कंस्ट्रक्शन सही है। आप देखिए किस तरह का एक फेकिंग बार को मारना है, रिसेंटली मैटर है ये 15 दिन पुराना। हमें सबको पता नहीं है एक दिन में पूरा वर्ल्ड में हम 200 मिलियन एनिमल्स को स्लॉटर हाउस भेजा जाता है जिनके हम मीट खाते हैं। हमें पता नहीं है कौन सी जानवर का मीट है, उस जानवर के साथ कौन सी बीमारी थी जिसका हम मीट हम खा रहे, अंधे होके खा रहे। हमें वो जो स्लॉटर हाउस हमारा है जहां 100 एनिमल्स को मारा जाना चाहिए वहां 1000 एनिमल्स को मारा जाता है, और वहां कोई लैब टेस्ट नहीं है, यहाँ कोई रिसर्च नहीं है। हम ऐसे एनिमल्स की मीट खाते हैं, उसी एनिमल्स के पास कैंसर भी हो सकता है, इसी एनिमल्स के साथ कोरोना भी हो सकता है, इसी एनिमल्स के पास इसी एनिमल के साथ आज की डेट में सर कौन सी बीमारी आया है सर लंपी भी हो सकता है। क्या हम अनजाने में कितना गलत चीज खा रहे हैं ये हमें समझना भी बहुत जरूरी। क्या हम सब मिलके एक हमारे घर के सामने पानी के बर्तन और सुबह शाम क्या एक रोटी नहीं खिला सकते? हम हमेशा बोलते हैं कि पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, हमेशा ये बात हम बोलते आते हैं। हमारा बुजुर्ग हमें ये समझाया जाए, लेकिन आज के डेट में भी मैं वो रूरल एरिया में जाता हूँ, हर घर की बाहर एनिमल्स के खाने की बर्तन लगा हुआ है, लेकिन हमारा अर्बन एरिया में एनिमल्स को सोसाइटी से मार मार के भगा ले जा रहे हैं। और वो सोसाइटी कब बना, इन्हीं की जगह से बना, अगर इनकी जगह से बना वो जाएंगे कहाँ, वो तो अपनी एरिया में रहेंगे, इनका टेरिटोरियल इशू है, इनका एक मौलिक अधिकार है अपनी एरिया में रहने की, लेकिन अधिकार हम छीन रहे हैं। के लिए मैं आपको भी दोबारा इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, एडवोकेट सौम्यापति टंडन जो एनिमल एक्टिविस्ट भी है और लीगल एडवाइजर भी है, और हमारे साथ है डॉक्टर विजय कुमार है, वो एक प्राइवेट वेटरनरी प्रैक्टिशनर भी है, सर्जन भी है, और इनका एक सेंटर भी है, और ये इंडियन वेटरनरी काउंसिल एसोसिएशन की ये ट्रेजरर भी है, और हमारे साथ एक बहुत सीनियर डॉक्टर और सर्जन प्लस प्रैक्टिशनर है डॉक्टर विजय पाठक है, उनसे भी हमें कुछ इसके बारे में जानना वो बहुत जरूरी है कि बेसिक एनिमल्स की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा गवर्नमेंट किस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किस तरह का एबीसी यूनिट चल रहे हैं जिसमें बिना ब्लड टेस्ट की हम इतना बड़ा सर्जरी कर रहे हैं, जो हम लैब्स है ये बिल्कुल वेटरनरी साइंस के अगेंस्ट है, बिल्कुल वेटरनरी साइंस के अगेंस्ट। मैं क्या कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ, पहले मैं जो चीजों की बात कर रहे हैं सर, दे आर पार्ट ऑफ द सोसाइटीज एनिमल, हम कम्युनिटी एनिमल्स बोलते हैं, कम्युनिटी एनिमल्स में हमारे पास कुछ एनिमल्स आते हैं जो इंसान के बराबर में साथ में रहते हैं, ये सदियों से चलते हुए और हम लोग इतना डेवलप कर गए कि हम इनको पीछे छोड़ने में को, लेकिन सर जिस दिन इस धरती से सारे जानवर खत्म हो जाएंगे इस दिन इंसान भी खत्म हो जाएंगे, इंसान ही खत्म हो जाएंगे, और ये बहुत बड़ा जो हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, बहुत बड़ा ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहे हैं सर। समस्या है उसका समाधान क्या है सर, स्वाधीन पशु सर,
सर देखिए, दीज डॉग्स आर बिलोंग्स फ्रॉम आवर गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, एमसीडी की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी पूरी तरह सरकार नहीं ले पा रहे हैं। हमने 22 साल पहले इसका नसबंदी की प्रक्रिया हमारा हिंदुस्तान में आया था, लेकिन अभी भी ये नसबंदी प्रक्रिया सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। मेरा क्वेश्चन मैम को एड्रेस है, सोमिया जी को। वी गॉन टू द प्रेजेंटेशन, सो वी अंडरस्टैंड आपने इसमें एनिमल्स को डॉग्स को ही दिखाया, काउ बर्ड्स एंड कैट्स नहीं, मतलब इसमें नहीं है। तो मेरा इशू, द फाइव इशूज व्हाट आई अंडरस्टैंड वी नीड टू, शी वुड टेल अस कि इज इंडिया डज दी वी हैव द सेंसस, डू वी हैव अ पॉपुलेशन काउंट ऑफ द डॉग्स एनिमल्स। Secondly, suppose I want to adopt a pet, so do I need the permission to adopt a pet? Because वो pet वाले क्या कर रहे हैं, सुबह lift में निकल जा रहे हैं और उनका dog वहाँ पे he's you know उस सुबह morning walk में के भाने हैं आपके घर के बाहर खड़ा होकर उनका dog वहाँ पे सब गंदगी में जा रहा है। Japan के I think what I understand, Japan में they fine, so you can't take away a pet, you have to take cleaners, poop they call it, right? So about that, about senses. About dogs, and last is about the funeral, because अगर जब animal, जो आपने बोला funeral भी उनका होना चाहिए सही तरीके से, how does that happen? Because army में जो dogs हैं, they are having the names and उनका पूरा register है, फलाना dog की शहीद है या जो भी है। And lastly जो आपने animals का बोला about the disease, the meat. So as we understand, the meat or any other non-veg, we saw a video sausages बन रहे हैं। And sausages में it's all about all animals, उसका जो waste है, उसकी tail है, उसका any part of his body which is not digestible, which is not fit for human consumption is converted into sausages. So how are you taking up all this? Yes, ma'am. So your first question about census, there is a mandate to conduct. So there is a mandate to conduct the census, and it's not done very frequently. Hamara last census about the stray dog population, NCDs are supposed to stray, rather not only the stray dogs but also all community animals like cows. Cats are difficult to count, so we cannot actually have a proper, because they live on trees, they will jump everywhere, so it's difficult. It's a practical difficulty. However, census is mandated, but not very frequently conducted. So, our last census, I'm sorry, I don't have the exact date. I can maybe share it through Sanjay ji later. But it's been quite a while when our last dog count was conducted in the community sphere. Coming to the next query about the pet dogs, do you need to take a particular permission before adopting their dog? Their children are born in the hospitals and nursing homes, so the dogs ka jo अपनी ब्रीडिंग दिखाया, एंड देन यू टॉक्ड अबाउट द मदर डॉग विद द चिल्ड्रन, ऑल दैट यू नो, सो दैट ऑल थिंग्स दैट कैन बी रियली डन इफ इट्स। आई एम सो ग्लैड यू ब्रॉट दिस एनालॉजी विद ह्यूमन चिल्ड्रन। डू यू नीड अ परमिशन व्हेन यू हैव अ चाइल्ड? यू डोंट नीड अ परमिशन बिफोर हैविंग अ चाइल्ड? यस, नो, आई एम सेइंग यस, पीपल द पेट्स हु आर हैविंग द पेट्स, सो दे नीड टू रजिस्टर एट द क्लिनिक। आई एम आंसरिंग योर क्वेरी, राइट? सो यू डोंट नीड अ परमिशन। नंबर 1, as of now, our law does not require you to have a permission, and pets in many court cases also have been treated at par with family members. So if you want to add a member to your family, you practically should not be required to take any permission. As far as registration goes, yes, I am very pro registration, because there is a register for humans also, for birth and death. Likewise, pets are family and they need to be registered. It is important, because that way the authorities are able to also monitor cruelty cases, abandonment cases, illegal breeding, health of the dog or the pet, whoever. So registration should not come by way of penalty. What is happening across Delhi NCR now, these MCDs and say Noida authority, they are all coming up with a pet policy. They are saying you need to obtain a license. I am not I personally feel that licensing should not be by. Why do you need a license? It's not a gun that I'm getting at home. It's not a destructive weapon. It's a family member that I am. I don't need a license. I need to
tell you, yes, I'm getting, and for that should be a nominal fee of maybe 50 rupees or whatever, and you can issue a certificate to me. And I need to update to you every year, because with a, like, for my own children, I have to take them to the pediatrician and get their vaccinations done time and again. There is a proper chart. Likewise, for pets also, we have a chart. And we need to update the authorities that, yes, our pets are secure and safe. They are not a nuisance to others. By way of, and they will not be disease carriers. That. What was your... about the last rights. About the last rights. So, there is a provision in the rules that you need to, the NCBs need to provide incinerators and burial spaces. But it is not, unfortunately not being complied with fervently by the authorities. Incinerators hote hain, kharab hote hain. Kaafi saalon tak wo theek nahi hote. Wo theek ho jate hain to last rites conduct karne ke liye chahiye pets ke liye to we will pay. But if I'm taking a community dog who has died back on the roads, maybe of a disease or any animal, then, for example, the Noida authority is charging 2,500 rupees for up to 25 kg dog weight or something. And then, so why should I be made responsible just because I'm bringing a dog who died on the road? That way, you know, citizens will shy away from doing their duty because they will feel that I will be made to pay. Why should I pay? It is the responsibility of the authority. Let the authority vehicle come. And till then, pada rahega, wahin par hi dispose nahi hoga, safety carcass. Phir aapne ek sawal kiya tha about the slaughterhouses and the meat. Yes. I would only say there is no legal answer to that, and legally I would not even comment on anybody's food habits. But as a conscious choice, what all of us can do, vegetarians, non-vegetarians, at least we can stay away from processed food. Because then we don't know what we are eating. So as far as possible, go for fresh food. Whether it is vegetarian or non-vegetarian, that would be my healthy advice to everybody. Stay away from processed food. You don't know how your sausage is prepared, how your salami or ham is prepared, where it's coming from. So, that is something that... Two other points I just missed out was about the gaushalas. Because gaushala jo hai, wahan pe log jab ja rahe hain, they are in a very bad condition. So, the gaushala should come under some banner. And second is about the road safety accidents. Car hitting the animals, or you know, whatever it is, Mike, and they're lying on that. You can answer it subsequently with other questions. Myself, Dr. Rekha Vyas. बहुत लंबे समय से मैं चोरी हुई हूँ और मैंने ये दोनों पक्षों पर विचार किया है. हम कुछ ऐसा काम जैसे कर लोग बहुत हैं, प्यार करने वाले खिलाने वाले भी बहुत हैं, और जो अथॉरिटीज हैं जिनको इनको रेबीज वगैरह या रोगों के लिए इंजेक्शन वगैरह देने चाहिए, उनके ऊपर कोई आप लोगों का या ऐसा कोई चेक पॉइंट नहीं है. अगर हम लोग रखते हैं तो उन्हें लगता है कि आप कौन है, हम तो सरकार के या किसी के अफसर हैं, हम फलाने हैं हम ठिकाने. जैसे सड़क पे मान लीजिए कोई मेन होल है और उसको वो कर रहा है, जैसे मैंने जमुना पार में देखा कि मैंने कहा भाई आपने ऐसे कैसे आदमी उतार दिए इतने बड़े मेन हॉल में, कह रहे आपको क्या मतलब है, आप क्या हमारे अफसर हैं. इस मानसिकता से उभरने के लिए बहुत ही और भावुकता से निकल के बहुत ठोस बातें हमें सोचनी होगी. जैसे कि कुछ ऐसी जगह करवा दी जाए जिससे कि जहां लोग अपने बचे हुए खाने को रख जाए, मान लीजिए कोई मर्जी से खिलाता है तो एक अलग बात है, ताकि वहां जानवर जाकर के खा सके. ऐसी कोई जगह चिन्हित ना होने के कारण, आइडेंटिफाई ना होने के कारण क्या है कि लोग कहीं पार्क में खाना रख दिया, कहीं ऊपर रख दिया, कोई सोचता है कि इसको पक्षी खा गए, कोई सोचता है कि इसको ये अमुक जानवर तक पहुंचे, तो एक सुटेबल जगह नहीं हुआ है. तो ऐसी जगह आप चिन्हित करवाएं, क्योंकि इस क्षेत्र से जो बढ़िया तरीके से जुड़ा हुआ है, जो समर्पित है, वो कानूनी रूप से भी इसको कर सकता है. और कुछ इन लोगों के प्रति लोगों की नफरत जो जागती है, ये बड़े लंबे समय तक मैंने इसका अध्ययन किया है कि लोग जो है पार्क के अंदर इनको हकी मुक्ति के फिर लेके चले जाते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि हम ये जगह हमारे लिए है और इसमें किसी का दखल हो रहा है या इन जगहों को गंदी कर रहा है. इन ऐसे लोगों को भी आप कहते हैं कि आप लंबे दूर चौगान तक ले जाइए मान लीजिए, तो उन्हें लगता है कि हम क्यों थके या हमारे घर में इतना मैन पावर नहीं है. तो एक तो खाने वगैरह के लिए ऐसी जगह चिन्हित करवाई जाए जहां जानवर
सुरक्षा पूर्वक खाए ताकि लोग अपने पॉलिथिनों में, जैसे आपने भी दिखाए, ऐसे सीन बहुत आम है देखने के लिए. तो ऐसी जगह चिन्हित करवाइए. कुछ एक राज्य में ऐसे मैंने देखा है, तो वहां पे घर के अंदर जानवर का ऐसा दखल नहीं हो पाता कि खिड़की से बंदर घर में घुस के हमारे घर परिवार के ऊपर, उनकी जो क्रूरताएं हैं वो काफी समायोजित हो जाती है, जिनको आप कह रहे कि लोग हाईलाइट करते हैं. और देखिए ऐसी दर्दनाक बहुत सी घटनाएं पढ़ने को मिली है कि छोटी बच्ची को अपाचे कुत्तों ने झपट के खा ही लिया पूरा. ऐसे बहुत सी लड़कियां, बहुत से छोटे बच्चे भी ऐसे हैं, वो कहना उस तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए. क्योंकि मैंने जब गली गुजों के घरों को देखा है तो ये पाया है कि लोग बहुत गलियों में रहने वाले जानवरों का विशेष रूप से स्प्रे वगैरह का मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर कोई उनको छोड़ जाता है, या थमरे की मैनेज नहीं कर पाती इसलिए छोड़ जाती है, या लोग छोड़ जाते हैं. ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसकी तरफ भी ध्यान जाना चाहिए. इस तरफ ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगी. तो मैम मैं लीगली आपके बात का जवाब देना चाहूंगी कि जो जो आपने बोला है कि जगह चिन्हित होनी चाहिए जहाँ पे खाना खिलाना है, तो ये ऑलरेडी हमारे एनिमल वेलफेयर बोर्डों की बहुत जगह नहीं है. उन जगहों की जगह चिन्हित करवाना हमारा काम नहीं है, ये हम सबका काम. वही मैं कह रही हूँ, जिम्मेदारी एनसीडी की है, अथॉरिटीज की है. और हमें, हम एज फीडर्स, अगर मैं खाना भी खिलाती हूँ कुत्तों को, तो अगर हम मैं अपने खुद के सोसाइटी में बता सकती हूँ, अगर मैं जाती हूँ बोलने के लिए हमारे एओए को कि भाई सोसाइटी में 10 कुत्ते 15 कुत्ते रहते हैं, कोई सोसाइटी के गेट के पास रहता है तो कोई सोसाइटी के बिल्कुल 200 मीटर अंदर रहता है, तो हमें जगह वहाँ, हमारे रूल्स कहते हैं, गाइडलाइंस कहते हैं कि कुत्ते को खाना आप वहाँ नहीं खिलाएंगे जहाँ चहलकदमी है, बच्चों का खेलने का पार्क है, बड़ों के आने जाने का वॉकिंग का रास्ता है, मंदिर है, आप वहाँ खिलाएंगे जहाँ चहलकदमी नहीं है. और कोशिश करके उन समय पे खिलाएंगे जहाँ, जब लोगों का आना जाना कम है. पर अगर हम सोसाइटी वाले, पर आप कुत्ते को उसकी टेरिटरी से उठा के बाहर नहीं डाल सकते. जो टेरिटरी है उसकी, वो उसकी टेरिटरी है, वो उसका घर है, वो वहीं पैदा हुआ है, वहीं मरेगा अगर बीच में उसको किसी भले इंसान ने अडॉप्ट नहीं कर दिया. तो उस केस में जब हम जाते हैं बोलने के लिए अपने अथॉरिटीज से, सबसे पहले आता है कि नहीं, कुछ भी हो जाए आप बाहरी खाना खिलाओ, अंदर खाना ही नहीं खिलाना है. ये अकड़ जो है ये इंसानों में, ये जानवर में नहीं. अब हम हमें समझाते हैं कि भाई वो जानवर अपनी जगह नहीं छोड़ेगा. क्या आप अपना घर छोड़ के किसी और के घर में चले जाओगे कि आज से आपकी बीवी बोल दे कि मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी यहाँ पर, तुम जाके पड़ोसियों के घर पे अपना ब्रेकफास्ट लंच और डिनर करो जी, 10 साल तक तुम्हें जिंदा रहना है, तुम 10 साल वहीं जाके खाओ. तो फिर चला जाएगा इंसान, नहीं जाएगा, वो आपका घर है, आप नहीं खाएंगे. तो ये चीज हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई अग्रेसिव, भूखा कुत्ता अग्रेसिव हो जाएगा, वो काउंटर प्रोडक्टिव है. आप साइंटिफिकली प्रॉब्लम को अप्रोच करिए. जिसका भरा पेट रहेगा, जिसकी जेब में पैसा रहेगा, वो चोर नहीं बनेगा. सबसे पहले एक सर आपने बोला था, आई एम सॉरी आपका नाम भी को रमन गुप्ता है, रमन जी आपने बोला था कि क्रूरता दोनों तरफ से, क्रूरता सिर्फ इंसान कर सकता है, जानवर क्रूरता नहीं करता. नहीं, कई जगह इसकी डॉग ने काफी अटैक किया. वो क्रूरता नहीं होती, वो इंस्टिंक्ट होती है, वो भूख होती है, वो डर होता है. हम क्रूरता सोच समझ के करते हैं. सेल्फ डिफेंस होगा या अग्रेशन होगा, उसको हम कोई भी लेबल दे सकते हैं, बट इट इज सिचुएशनल, इट इज नॉट समाधान. एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001 में क्लियरली दिया हुआ है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस में क्लियरली दिया हुआ है. एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वेटनरी डॉक्टर्स बैठे हैं, दे अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ दीज एनिमल्स. हम साइंटिफिक लोगों की बात सुनेंगे, समझेंगे, उस पर अमल करेंगे, अकड़ छोड़ के, तो सारे समाधान है. इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज, नेदरलैंड्स, यूएस, सब लोगों ने, यूरोप में सब जगह स्ट्रे डॉग्स थे. आप टर्की का एग्जाम्पल लीजिए, इस्तांबुल में देखिए, कैपिटल है टर्की का, जगह जगह स्ट्रे डॉग्स और कैट्स के खाने पीने के लिए व्यवस्था है. वहां पे किसी एनिमल फीडर उबर की एनकरेज किया जाता है, क्योंकि उनके ऑटोमैन ने ये सम्मान दिया था कि हम वी हैव टू बी काइंड टुवर्ड्स, राजा ने बोला वी हैव टू बी काइंड टुवर्ड्स द एनिमल्स. जब ऊपर से आया तब समझ में आया कि नहीं करना ही है. और बहुत अच्छे से वहां पे प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. वहां के आप आमतौर पर यूट्यूब पे वीडियोज देखेंगे कि डॉग्स आर राइडिंग पब्लिक बसेस, डॉग्स आर टेकिंग फेरीज, डॉग्स रिवर पे फेरीज लेकर इधर से उधर खूब क्रॉस कर रहे, स्ट्रे डॉग्स. सो एंड वी टेक वॉच दोस वीडियोस एंड स्माइल, बट जब हमारे सामने हमारा कुत्ता दिखता है देसी, तो हम उसको लात मार देते हैं.
मैम आपने ये बात बोला कि चार पांच कुत्ते ने 8 महीने के बच्चों को मार दिया गया, मतलब अभी भी आप ये ऐसा देखेंगे कि बहुत सी अनजानी जगह पर अपन जाते हैं। मैं खुद ही महसूस कर चुकी हूँ कि अनजानी जगह पर अपन जाते तो ग्रुप बना के वो अनजाने लोगों को पैर देते हैं। आजकल की बात बता रहा हूँ, मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, इसकी मैं भी उनकी तरफदार हूँ। नहीं नहीं, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। लोगों को बाकी में असलियत क्या है, उन कुत्तों ने नहीं मारा। आपके लिए जिस बच्चे के बारे में आप बात कर रहे हो उस आज की डेट में हमारा RWAO में और कुछ लोग अपने आप को नेता अगर शुरू करना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, सबसे पहले वो जानवर के खिलाफ खड़े होते हैं। और जानवर के खिलाफ बहुत लोग हैं, जानवर को मदद करने के लिए कम लोग हैं, तो वो उसको वहीं से नेता चुन के आ जाता है क्योंकि वो एनिमल के खिलाफ है, एनिमल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि एनिमल को सपोर्ट नहीं करने के लिए ज्यादा लोग है और एनिमल को प्यार करने के लिए कम लोग है, लेकिन हम यहीं से भूलते हैं एनिमल हमारा पर्यावरण के हिस्सा है। लेकिन वो हिस्सा को हम पीछे हट रहे, इसके वजह से आगे आने वाले दिन में हमारे साथ बहुत तकलीफ होने वाला है। अगर जो कोरोना बात कर रहे हैं, शायद चाइना से आए हैं, एनिमल से ही शुरू हुआ है। इस तरह का कितना महामारी आएगा, कितने लोग बचेंगे, कितने नहीं रहेंगे, लेकिन एनिमल आप देखिए, ना धूप है, ना सर्दी है, ना गर्मी है, कि 12-13 साल वो जी लेते, ना खाना है, पानी है। इनके स्ट्रेंथ और हमारा स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है, इनके सामने कुछ भी नहीं है। हमें वो सोचना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि दे आर वॉइसलेस। अगर हमारे साथ है, हमारे वो सोचते कि हमें इंसान मदद करे, हमें इंसान मदद करेगा। आप एक बात बोल दिया है कि ठीक है, भाई साहब ने पूछे कि जानवर की क्रूरता भी होता है, लेकिन सर आप अपने घर से बाहर निकलिए, घर के गेट के बाहर आपको मुर्गे की दुकान मिलेगा, बकरी की दुकान मिलेगा, मछली की दुकान मिलेगा, आपको कहीं जानवर बैठे हुए इंसान को खाते हुए नजर नहीं आएगा। आप बता दीजिए कि कहां ज्यादा क्रूरिटी हो रही है, कौन ज्यादा क्रूरिटी कर रहा है। ये कोएग्जिस्टेंसी सोसाइटी से हम एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। और हम एक ठीक है, सरकार की बहुत सारी चीजें हमारे पास, सरकार की बहुत सारी कमियां हैं, जो कमियां पूरा नहीं हो पा रहा है। क्यों कमियां पूरा नहीं हो पा रहे, कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, 15 अगस्त 26 अगस्त हम स्वाधीनता दिवस मना रहे, गणतंत्र दिवस मना रहे, और उस दौरान 15 अगस्त की जो इंडिया गेट राष्ट्रपति भवन इस एरिया में जो आने वाले फुल्ला बनते, हम इनको पकड़ के लेके कहीं दूर छोड़ के आते, क्योंकि हमारे यहाँ भाई पीस आई। लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि इस ये जानवर हमारे देश की धरोहर है। जैसे हम सोचते कि अरे लाल किला, आपका जमा मस्जिद या आपका आगरा में ताज है, ये सब धरोहर है, ऐसे आने वाले हमारा धरोहर है और उसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और जिस दिन हम सारी चीजों को, जिस दिन हम एनिमल के साथ जो लोग अभी लगे हुए हैं काम करने के लिए, और जिस तरह का हम अपना देश स्वाधीन करने के लिए बैठे हैं, इस तरह एनिमल लवर ऐसे लगे हुए हैं कि एनिमल को स्वाधीन देने के लिए, इनका एक अधिकार है और ये अधिकार हम नहीं बनाए, और हमारा कानून में है, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन हम इसको ठीक से लागू नहीं कर पाए, बिकॉज अब हम करप्टेड सोसाइटी से। और आज की डेट में हम जो भी खा रहे, आपको पता है कि कितने जो आज फ्रूट खा रहे हैं उसके अंदर भी हम इंजेक्शन लगे, तो हम हर तरीके से हर जगह से हम इस तरह का खाना खाते हैं, क्या ये हमारे ठीक है? क्यों नहीं हम किसी जान के पीछे पड़े, किसी जान के पीछे पड़े। आज पॉलिटिकल पार्टी जो आप बोल रहे हैं कि नहीं हम कुछ देर गाय को आप सोसाइटी में हटा दूंगा, क्या आप ही एरिया की सौंदर्यता अच्छा हो जाएगा, क्या आप डेवलपमेंट कर जाएंगे कि इनको यहाँ से हटाएंगे? हमारा यही सरकार को एक अनुरोध है कि जिस तरह इंसान खुला घूम रहे, इस तरह एनिमल्स को भी खुला घूमने दीजिए, क्योंकि इनका जीने की अधिकार भी है। अच्छा, और मैं आपको बता दूं, जो आज के डेट में लोग नेता बनते हैं, जानवर से स्टार्ट करते हैं, जानवर के खिलाफ हो के आगे नेता बनते हैं, ताकि ये प्रोपेगेंडा है एनिमल्स के खिलाफ। अगर एक केस होता है हम उसको बहुत वायरल करते हैं और हर घर घर में पहुंच जाते हैं, और हम लोगों को जानवर खिलाफ करने की एक मुहिम चलाते हैं, लेकिन
और ये मोहिम कभी पूरा नहीं होगा, ये मोहिम कभी पूरा नहीं होगा। मैम सवाल कर ली Yes, we are recording the thing. Okay, so I'm an advocate, like you and I'm an animal to the board. So I would just like to say, I'll answer her, whatever she had commented. कि हमारी जो मदर अर्थ है, पृथ्वी है, वो सबके लिए, सारे स्पीशीज के लिए, including human beings. तो हमने तो अपने घर बना लिए, बड़े बड़े घर बना लिए, इसके आगे हम नहीं आ सकते. फिर हमने गेट्स लगा दिए अपनी कॉलोनी में, इसके आगे नहीं आ सकते. सड़क पे बेचारे जाते हैं तो गाड़ियां मार के चली जाती हैं. एवरी सेकेंड डे आई एम पिकिंग अप सम काउ, कोई ना कोई वहां पे गाय को मार के चला जाता है. इज माई कॉलोनी की नोज. सो ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग एवरी सिंगल डे, यू नो. उनको मार के चले जाते हैं. एंड देयर वाज अ बुल व्हिच एंटर्ड आवर कॉलोनी. तो इतना बड़ा वो उसको बेचारी, शी वाज इंजर्ड वेरी वेरी बैडली. तो उसके पीछे सारे लोग पड़ गए. ये नहीं देखा कि वो क्यों अग्रेसिव हो रही है या वो क्यों किसी को इंसान के पीछे भाग रही है, क्योंकि वो खुद ही बुरी तरह से जख्मी थी. फिर मतलब हमारा जो हमारा तरीका है सोचने का वो ये है कि हमारी पृथ्वी सिर्फ हमारे लिए है. That's all. हमने इनकी जगह नहीं ले ली, हमने इनकी स्पेसेस नहीं ले ली. कहाँ जाएंगे बेचारे? सो भगवान तो ऊपर से नहीं आएंगे ना खाना देने इनको, यहाँ के भूखे प्यासे शेल्टरलेस धूप में, जैसे इन्होंने कहा धूप में सर्दी में खड़े रहते हैं. आप गाँव को देखोगे तो बेचारे खड़े रहते हैं, बारिश इतनी तेज हो रही होती खड़ी रहती है वहां पे. सो हुज ड्यूटी इज दिस? एवरीबडी इज, ऑल ऑफ अस. We are running away from these duties, first of all. Secondly, कोई भी dog या कोई भी animal, जब तक, जैसे मैडम ने कहा, कितना अच्छा बोला मैंने, ये कहा कि जब तक, I mean, this is my view, कि जब तक वो पावर नहीं होगा एनिमल या भूखा नहीं होगा तब तक वो अग्रेसिव नहीं होगा. हम भी जब भूखे होते हैं, हम काम से आते हैं तो हमें भूख लगती है, हम एकदम से जोर से चिल्लाना शुरू करते हैं, भूख लगी जल्दी से खाना दो. अग्रेसिव होते हैं कि नहीं होते? गुस्सा ही हो जाता. तो स्टमक जब तक एम्प्टी रहता है तो अग्रेसिवनेस आती है. स्टमक आपका फिल्टर होगा. फीडर्स को कितना लोग तंग करते हैं, इतना ज्यादा तंग. और जो आप कह रही थी ना मैडम, एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड है जो जिन्होंने ये जो जिनके रूल्स हैं उनका लॉ है कि हर एक आरडब्ल्यू को एक फीडिंग प्लेस स्पॉट देना पड़ेगा. देते नहीं है. सो एनिमल वेलफेयर बोर्ड इज नॉट डूइंग देयर जॉब. उनको सर्वे करना होता है, यू नो, विद इन आई मीन एट एवरी इंटरवल दे हैव टू सर्वे एवरी आरडब्ल्यू इन दिल्ली दैट कि कौन ये इस रूल का को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा. सो यू नो, एक जगह अगर फीडिंग स्पेस बना दी जाए हर एक आरडब्ल्यू में तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म हो जाएंगे. टुडे एनिमल एंड मैन कॉन्फ्लिक्ट, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस. एंड यू नो आई हैव फाइल्ड अ रिट पिटीशन इन द हाई कोर्ट. क्या है एमसीडी सपोज टू स्टरलाइज देम? इसका सबसे अच्छा तरीका बस यही है, स्टरलाइजेशन, नसबंदी. आप जितना नसबंदी करेंगे डॉग्स को इंटरवल्स पे, आपके कुत्ते कम होते जाएंगे, बच्चे पैदा ही नहीं होंगे, एंड अल्टीमेटली वो मर जाएंगे तो डॉग्स खत्म हो जाएंगे. आप भोपाल का एग्जाम्पल लीजिए, एक दो और स्टेट्स है हमारे जिसमें डॉग्स नहीं, क्योंकि गोवा उसमें वहां पे इन्होंने एमसीडी ने रेगुलर इंटरवल्स पे स्टरलाइजेशन करते प्रोग्राम चलते रहते. तो ये थोड़ी कोई सोल्यूशन है कि मार दो कुत्तों को या इनको रीलोकेट कर दो कहीं और जाके छोड़ दो, वो वहां पे वापस आ जाएंगे. एज शी सेड वेरी राइटली कि टेरिटोरियल होते हैं ये डॉग्स, वो अपनी टेरिटरी कभी नहीं छोड़ेंगे. थाना भी बंद करोगे ना वो वहां से नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको पता अपनी टेरिटरी छोड़ के किसी और टेरिटरी पे जाएंगे तो उनको मार दिया जाएगा, दूसरे डॉग्स उनको मार देंगे. सो जो हम लोग ये एक्चुअली लोग कहते हैं डॉग मेनेस, मैं कहती हूँ इट्स अ ह्यूमन मेनेस, क्योंकि एमसीडी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रही है. एमसीडी को स्टरलाइजेशन रेगुलर इंटरवल्स पे करना चाहिए, विच दे आर नॉट डूइंग.
And I have filed a writ petition for this accountability. Where is that money going? Central government is funding you. State government is funding you. Sterilization ke liye, for the purpose of sterilization, who paisa kahan ja raha hai? वो ये थी कि आप ये देखें कि बहुत से बाग है या उद्यान है या कहीं भी है वो बड़े अच्छे अच्छे पौधे, यहाँ तक कि सीपीडब्ल्यूडी वगैरह ऐसे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग वगैरह जो सरकार के काफी अच्छे, उन सबका भी हम ये दायित्व बनवा सकते हैं सब लोग मिलकर। जैसा आपने कहा कि अगर मैं तो आपको करना चाहूंगे कि आपका भी, तो हम लोग सब मिलकर कि इतनी अच्छी जड़ी बूटियों वाले पौधे हैं या इतने अच्छी हो या घास ही है उनका दायित्व हो, या ऐसी ऐसी गौशाला अभी कोई बता रहा था कि वो वहां से आकर के ले जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन को वहन करना उनके लिए शायद संभव ना हो। तो हम ये देखते हैं कि कूड़ा घर में इतनी अच्छी उमदा क्वालिटी के गुणवत्तापूर्ण पौधे आ सकते हैं सीधे, और हमारे उन लोगों को कई बार मैं जो कुछ ऐसे औषधीय पौधे घर में या इधर उधर उगा है कि चलो गौशाला वालों को, उनको इस बात का पता ही नहीं कि ये खाने से उनका स्वास्थ्य बढ़ता है, उनकी रक्त कोशों में वृद्धि होती है। तो ऐसे विभागों का ये दायित्व बनवाया जाए उनके वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर कि ये या तो वो गौशाला वालों को भेजे या उनका ऐसा वो करें कि उन तक पहुंच जाए, ताकि बहुत से जानवर जो भूख से मर जाते हैं उन तक एक अच्छा पोषण युक्त पदार्थ पहुंच जाए। ठीक है, जी है जो एक एनिमल एक्टिविस्ट है, वो मैम आपका आंसर है। एक्चुअली मैं सर का आंसर देना चाहता हूँ, जो उन्होंने बोला था कि स्ट्रीट डॉग मैनेज, बेसिकली स्ट्रीट डॉग मैनेज कुछ नहीं है, इट इज टोटल अबाउट ह्यूमन पॉपुलेशन। वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप अगर कभी कोई पुराण पढ़ें या कुछ भी आप हिस्ट्री पता करें तो जानवर इंसान से पहले धरती पर है। ठीक है, पहली बात तो उनका राइट पहले बनता है। दूसरी चीज स्ट्रीट डॉग, स्ट्रीट डॉग नहीं कम्युनिटी डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग वो अनफॉर्चुनेटली है क्योंकि हम उनको जगह नहीं दे रहे हैं, हम उनको उनके बेसिक राइट्स नहीं दे रहे हैं। सबको भूख लगती है, सबको प्यास लगती है, सबको एक शेल्टर चाहिए सोने के लिए। ठीक है, अगर आप उनको जगह ही नहीं दोगे थोड़ी सी भी, भूखे पेट तो इंसान भी मर्डर करने चले जाता है, वो तो फिर भी जानवर है, उसे थोड़ी सी जगह चाहिए। आप एक रोटी दे दो, आधी रोटी दे दो, उसमें वो संतुष्ट है। और अगर आप उसे दो दिन खाना भी नहीं खिलाओगे ना, थोड़ा सा प्यार से हाथ ही फेर दोगे, वो जिंदगी भर आपके पीछे आएगा। और आप हमेशा देखना, जानवर पहले इतना डरा हुआ सहमा रहता है कि वो खुद छुपते छुपते निकलता है, कहीं फ्रेश भी होना होता है, एक थोड़ी सी जगह लेके वहां पे करता है और अपना निकल जाता है कि कोई उसे मारे ना। आप इंसान को देखो, कहीं भी थूकता है, गुटखा खा के कहीं भी थूकता है, कहीं पे भी कूड़ा फैलाता है, इतनी गंदगी मचा के रखता है। इंसान से ज्यादा गंदगी मचाने वाला मुझे तो लगता नहीं कि कोई जानवर हो सकता है, इंसान से बड़ा कोई जानवर नहीं है। और आप खुद देख लो, एक रोटी दे दो, थोड़ा सा कुछ दे दो, एक ब्रेड का पीस दे दो, ये उसी में खुश है, बस इन्हें थोड़ा सा प्यार चाहिए। और हमें ये जरूर समझना चाहिए को एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है इस दुनिया में, और अपने कर्म अपने साथ ही जाने हैं। तो इस चीज का सब लोग जरूर ध्यान दें कि भाई भगवान ने इन्हें हमसे पहले बनाया, तो हमें इस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप इनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप भगवान की भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, ना आप इंसान की कर सकते हो। हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमें इंसान का जन्म मिला है ताकि हम इनके लिए कुछ कर सके। वो तो बेचारे बता नहीं सकते कि हमें भूख लगी है, दर्द हो रहा है, चोट लगी है, तुम्हारा इतना दायित्व बनता ही है। और मैं बस उससे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, बाकी परमात्मा मालिक है। मैम आपने स्टेलासन के बारे में बात की है, इसके बारे में जब विजय पाठक है और फिटनेरियन है, काफी सीनियर है इस टाइम में, इनसे आप पूछेंगे कि क्या इनका क्या हक है। So closer to the sterilization
is the only way to ensure that the animal population is strictly under control. And it's good for them and good for us also. And it's very easy. Actually, we expect the government to do everything. कि एमएसपी वाला आएगा सब कुछ करके चला जाएगा बट अगर तो हम लोग भी थोड़ा थोड़ा एफर्ट करें अपने घर के सामने वाले पड़ोस वाले एनिमल्स को लेके खुद इनिशिएटिव लेके उनका स्टरलाइज कराएंगे पोस्ट ऑपरेटिव केयर करेंगे जो कि हार्ट ही दो या तीन दिन की होती है यू विल हैव रिजल्ट्स डेफिनेटली वेरी क्विकली इंस्टेड ऑफ रिलाइंग टोटली ऑन द एमसी वो जो कर सकते हैं वो करें पर हम लोग भी तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं मैं पुलिसक तो नहीं है थोड़ा थोड़ा एफर्ट डाल के 10 लोग मिलकर 4 डॉग्स को स्टरलाइज कर जाएंगे वो मेरे से खत्म हो जाएगा दैट इज हाउ इट शुड बी डन सवाल है जो स्टेट है हम इंट्रीडी कर रहे हैं लोकल अथॉरिटी कर रहे हैं तो इसका जो प्रोसेस है जिस तरह को डॉग पकड़ के बिना हिस्ट्री जानते हुए इतना बड़ा सर्जरी हो रहे बिना ब्लड टेस्ट की आपका उसमें क्या कहना है जब भी हम लोग सर्जरी का बात करते हैं वी हैव टू एंश्योर कि एवरी कंडीशन इज प्रॉपरली मेंटेन्ड एंड एवरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर इज फॉलोड प्रॉपरली to ensure the best result out of this surgery. Agar to sterilization karna hai to natural hai ki we have